ऋषिवर, आपके कमंडल से निकला कावेरी नदी का ये जल सदा क्षेत्र को हरित रखेगा और यहाँ सदा समृद्धि का विस्तार करेगा। ये किसी बड़े महासंकट की पूर्व सूचना है। महासंकट तो है, स्वयं जगत पिता महादेव की क्रोधाग्नि ही जगत के लिए संकट उत्पन्न करने वाली है। संसार अवश्य किसी भयंकर महासंकट का सामना करने वाला है गणेश जी। कैसा महासंकट ऋषिवर? कृपया मुझे बताइए ऋषिवर, कौन और क्या इस भावी संकट का कारण? महादेव, वो है आपकी क्रोधाग्नि। मेरी क्रोधाग्नि? क्या उसका कोई दुष्परिणाम होने वाला है? महादेव की क्रोधाग्नि तो दुष्टों का संहार करती, तो उससे इतने चिंतित क्यों हैं आप? पिताजी की क्रोधाग्नि भला संसार का अहित कैसे कर सकती है? प्रत्येक क्रिया की कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है। महादेव की क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई है तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो अवश्य होगा। महादेव का क्रोध तो मेरी श्रेष्ठता के अहंकार के कारण हुआ था। एक अघोरी के लिए देवराज अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, ये उचित नहीं है। देवराज जब अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अन्य को अपने मार्ग से हटना पड़ता है। देवराज इंद्र को नहीं। कहीं इस महासंकट का संबंध उस घटना से तो नहीं? महादेव को मैं अपनी चिंता से अवगत कराने का प्रयास कब से कर रहा हूँ, किंतु ऋषि अगस्त के प्रसंग के कारण मुझे इसका अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। किंतु महादेव, मेरी आशंका यदि सत्य हुई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। विनाश, हाँ, मात्र विनाश ही होगा। ब्रह्मदेव, आप स्पष्ट कहिए, आपकी आशंका का कारण क्या है? आपकी क्रोधाग्नि महादेव, जिसका विस्फोट सागर में तो हुआ था, किंतु कदाचित आपकी क्रोधाग्नि अभी भी शांत नहीं हुई है। जल और अग्नि का संयोग तो प्रकृति के विरुद्ध है, इसीलिए मुझे शंका है महादेव कि आपकी क्रोधाग्नि के सागर में विध्वंस से किसी ऐसे अप्राकृतिक अति शक्तिशाली अस्तित्व का जन्म हुआ है जो महासंकट बनकर हम सभी पर छा जाएगा। ऐसा क्या महासंकट हो सकता है जिसे त्रिदेव भी नहीं मिटा सकते?
पिताजी की क्रोधाग्नि से यदि कुछ उत्पन्न हुआ है तो वो अवश्य सर्वनाशी ही होगा। मेरे देवलोक पर पुनः संकट के मेघ मंडराते प्रतीत हो रहे हैं। यदि ब्रह्मदेव का कथन सत्य है तो महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये अज्ञात संकट जो भी है, शीघ्र उसका भेद जानकर हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। सभी की चिंता दूर करने का एक ही उपाय है, मुझे ही अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा कि सागर के अतल जल में ऐसा क्या संकट छिपा है। संकट तो अवश्य उत्पन्न हो गया है, ब्रह्मदेव का चिंतित होना उचित है। नहीं, नहीं। क्या हुआ ऋषिवर, ऐसा क्या देखा आपने जिससे आप भी व्यग्र हो उठे? अत्यंत भयंकर है महादेव की क्रोधाग्नि का ये रूप, सागर के जल में जन्मा है। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। जलंधर, जलंधर, जलंधर। जलंधर, मेरी शंका सत्य थी महादेव, किसे ज्ञात है आपकी क्रोधाग्नि का ये भीषण परिणाम सागर में उत्पन्न होकर वहां कैसा आतंक फैला रहा होगा। महादेव की क्रोधाग्नि के समक्ष तो कोई नहीं टिक सकता, तो फिर ये जलंधर कौन है जो इससे भी रक्षित रहकर जीवित रहा? आनंद आएगा मुझे भक्षक मीन का भक्षण करने में। सुरक्षित नहीं हो तुम, मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर पराजय स्वीकार नहीं करता। देखा, पकड़ लिया ना तुम्हें। मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर, मुझसे कोई बच नहीं सकता। चलो मेरे संकेत पर। व्यर्थ है तुम्हारा ये प्रयास भी, सर्वश्रेष्ठ जलंधर से बचकर कोई नहीं भाग सकता।
अद्भुत, अति मनोहर है ये दृश्य। कितने बलिष्ठ, कितने आकर्षक हैं ये। व्यर्थ आकर्षण का समय नहीं है मेरे पास। उन्होंने मुझे उचित प्रकार से देखा तक नहीं। उनके द्वारा अपना ये तिरस्कार स्वीकार नहीं है मुझे। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। वो मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों नहीं? मेरे मुस्कुराने पर उन्होंने अपना मुख क्यों मोड़ लिया? जैसे उन्हें मुझसे घृणा हो? क्यों? क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? क्या इसलिए क्योंकि मैं एक साधारण सी विष्णु भक्त हूं? अब इस जाप में मेरा मन ही नहीं लग रहा। व्यर्थ है ये तप, ये जाप जो मैं सदा से करती आई हूं, जिसे मैंने अपने पति रूप में चुना, उसे अपनी ओर आकर्षित भी ना कर सकी मैं, तो क्या लाभ है ऐसी विष्णु भक्ति का? नारायण, आप ना तो मेरी सहायता करना चाहते हैं और कदाचित ना ही कर सकते हैं, फिर क्यों मैं व्यर्थ में ये प्रार्थना कर रही हूं? अगर मुझे स्वयं ही सब कुछ करना है तो मेरा मार्ग ही उचित है। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। स्वादिष्ट भोजन के बाद अब इसे अपना अस्त्र भी बनाऊंगा मैं। किसका मधुर आलाप है ये?
जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। प्रकाश कदाचित वहीं से आ रहा है ये स्वर। अभी ऊपर जाकर देखता हूं। मधुर आलाप से मुझे लुभा रही है। कदाचित सर्वश्रेष्ठ जलंधर का इससे भी भेंट करने का समय आ गया है। चिंतोसी के हैं तो यही होगी, क्रीड़ा कर रही है मेरे साथ। उसे ज्ञात नहीं, सर्वश्रेष्ठ जलंधर के साथ क्रीड़ा का तो एक ही परिणाम होता है। अरे अब कहां चली गई? लुकाछिपी, अभी इस लुकाछिपी की क्रीड़ा का अंत करता हूं। चित्र बात है, स्वर मुझे सुनाई दे रहा है किंतु मेरी दृष्टि से अदृश्य हो रही है स्वर की स्वामिनी। चाहे कुछ भी हो उस तक तो पहुंच कर ही रहूंगा मैं।
मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर तुम्हारे निकट आना चाहता हूँ। रुक जाओ, समीप आने दो मुझे। वर्षों की तपस्या और उसका पुण्य नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आते ही क्षण भर में नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें नकारात्मक शक्ति से दूर रहना चाहिए।